तो दोस्तों, इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर अब प्लान कर रही है कि 2 साल के भीतर यानी कि मार्च 2023 तक वो अपनी प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है इंडिया में तो वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। स्पेशली टू व्हीलर्स के सेगमेंट में ये काफी तेजी से ग्रो कर रही है। वैसे करंट एथर की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखे तो वो बैठती है आराम से लगभग 1.1 लाख स्कूटर्स, इसके साथ ही 1.2 लाख बैटरी पैक्स की। अब भले ही यहाँ पर एथर की प्रोडक्शन हर महीने के लगभग 9,200 यूनिट्स की है, लेकिन वो इतना करेंटली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और अब कंपनी यहाँ पर अपनी 100% कैपेसिटी में रन करने का सोच रही है बाय 2022। और रिसेंटली आपको याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में एथर ने अपनी काफी ज्यादा विशालकाय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी लॉन्च किया था। ये फैसिलिटी है होसुर में और इसे एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जा रहा था। यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि कंपनी यहाँ पर सेल से लेके बैटरी पैक सभी को इंडिया के भीतर ही मैन्युफैक्चर कर रही है यूजिंग लोकली सोर्स्ड कंपोनेंट्स। और इनकी जो फाइनल स्कूटर्स है तो उसमें 90% स्कूटर्स के जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी पार्ट्स है, तो वो पूरी तरह से लोकलाइज्ड है। बस 10% ऐसी चीजें हैं जो हमें फिलहाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है, बट आने वाले समय में भी वो काफी तेजी से घटेंगी। इस प्लांट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अलावा यहाँ पर इनका मेन फोकस ये भी था कि वो लिथियम आयन बैटरीज की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। और आने वाले 5 सालों के भीतर एथर का ये भी प्लान है कि वो 635 करोड़ रुपीस निवेश करें। अब यहाँ पर एथर कंपनी का ऐसा कहना है कि इनकी जो फैक्ट्री है तो वो 1.2 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसकी कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी है लगभग 1 लाख यूनिट्स की हर साल की। बट ये फैक्ट्री को हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं टू 4 लाख स्क्वायर फीट, तो इससे जो प्रोडक्शन है तो वो 3 गुना बढ़ जाएगी। और ये करना चाहते हैं बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। इंडिया के पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में करंटली ये कंपनी नंबर 4th पोजीशन पे आती है। इनका मार्केट शेयर है 10.3% का और रिसेंटली इन्होंने दिल्ली में भी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को डिलीवर किया है। कंपनी की इंडिया के हर बड़े शहरों में ऑलमोस्ट प्रेजेंस है, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोच्ची। और इनके करेंटली 130 चार्जिंग स्टेशन है और इन सभी चार्जिंग स्टेशन पर एथर 450X स्कूटर के लिए फ्री चार्जिंग ऑफर की जाती है। और कंपनी इन चार्जिंग स्टेशंस को इस साल के एंड तक 400 चार्जिंग स्टेशंस तक ले जाना चाहती है। तो एज ऑफ नाउ देखिए तो कंपनी का 3 मेन फोकस है। सबसे पहले तो है जो इंडिया की प्रमुख सिटीज है तो उसमें एंटर करना, फिर साथ ही में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और मोस्ट इंपोर्टेंटली अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करना। करेंटली इन स्कूटर्स के कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इनका प्राइस है लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, और इतनी ज्यादा हैवी प्राइस होने के बावजूद भी यहाँ पर सेल्स गिरे नहीं है। इनफैक्ट वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो कई सारे रीजंस है, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना, फिर बाद में गवर्नमेंट भी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही काफी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परचेस में। और इन सब रीजंस के चलते यहाँ पर बायर्स भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेस करें रादर देन एनी अदर व्हीकल। और यहाँ पर इनकी जो स्कूटर्स है तो वो 0 to 80% चार्ज होती है महज 3.5 घंटों के भीतर, और वहीं इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की। अब इसे टक्कर देने के लिए ओला की भी अपनी फैक्ट्री तैयार होती जा रही है, और जल्द ही ओला भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाला है। तो डेफिनेटली ये काफी बड़ी टक्कर होगी एथर के लिए, क्योंकि ओला का जो स्केल और स्पीड होगा तो वो काफी ज्यादा, काफी गुना हायर होगा कम्पेयर टू एथर। यहाँ पर ओला तो वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फैसिलिटी बनाएगा, जहाँ पर हर 2 सेकेंड के भीतर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर होगी जब ये फैसिलिटी पूरी तरह से ऑपरेट करने लगेगी तब। और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया में टू व्हीलर्स का सेगमेंट काफी तेजी से इंक्रीज भी होता जा रहा है। यहाँ पर कई सारे बायर्स है टू व्हीलर्स के। इसके साथ ही करेंटली इंडिया के पोर्टफोलियो में नजर डाले तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के साथ साथ सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है इंडिया। इसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर और थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिया पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर है और साथ ही में 4th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। तो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी तेजी से इंक्रीज होती जा रही है और आने वाले 5 से 6 सालों के भीतर ये पूरे वर्ल्ड की बन जाएगी 3री सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मार्केट।